नालासोपारा से दिन दहाड़े एक बच्चे के डूबने की खबर सामने आ रही है। मामला नालासोपारा पूर्व के गाला नगर स्थित मनपा तालाब का है, जहां तीन बच्चे दोपहर के 3 बजे तालाब के गेट से छलांग मारकर तैरने गए थे, लेकिन एक बच्चे को तैरना नहीं आता था, जिसके वजह से वह डूब गया। बच्चे का नाम रविंद्र कटियार बताया जा रहा है, जो गाला नगर में रहता था। हालांकि तालाब पर मनपा की दमकल विभाग भी पहुंची थी, लेकिन लाश का कुछ पता नहीं चल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, वसई लाइव। बच्चे लोग तीन बजे के आसपास तीन बच्चे आए थे यहाँ पे, और जिसमें से 2 बच्चे चले गए और एक बच्चा यहाँ डूब गया, जिसका रवि मेहंदी करके नाम था उसका। और 4 बजे के आसपास से फायर के ऑफिसर यहाँ आए थे और 2 घंटा सब कुछ देखने के बाद चले गए। और जब हमने फायर ऑफिसर पालो से बात किया तो उनका कहना है कि हमने बहुत सौदा और नहीं मिले, अब रात भर में बॉडी ऊपर आएगी तो सुबह हम निकालेंगे। तो ये एक लापरवाही है BMC का, और उसके यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है, कम से कम यहाँ सेफ्टी रहना चाहिए। अगर इन्होंने जो 24 घंटा किसी को काम पे रखा हुआ है तालाब की देख रेख के लिए, तो उनको यहाँ रहना चाहिए, और यहाँ कोई यहाँ दिख नहीं रहे। बच्चे अंदर कैसे आए मनपा का, यहाँ पे कोई अधिकारी सिक्योरिटी गार्ड कोई नहीं था, क्या बताएंगे? तो वही है, जब कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, तालाब खुला हुआ था, तभी तो बच्चे आए 3 बजे के आसपास, जो कि सुबह और शाम का टाइमिंग रहता है तालाब का। सुबह में आप जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, और शाम को जो रहते हैं, बाद में दिन में गार्डन बंद रहता है या तालाब बंद रहता है, तो किस तरह से खुला था? यहाँ के जिनके ऊपर जवाबदारी दी गई थी वो कहाँ थे? जिनको यहाँ पे BMC पगार दे रही है वो बंदे कहाँ थे सब?